जीएसटी सेल्स एंट्री। जीएसटी सेल्स एंट्री करने के लिए आप सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और एंट्री में जाके भी जीएसटी सेल्स एंट्री में जा सकते हो। उसका शॉर्टकट कंट्रोल जी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, क्लोज करना है। इसमें एक ऑप्शन ज्यादा दिया हुआ है, आपको बिल का प्रिंट आउट निकालना है तो डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। हम करते हैं अभी नया बिल ऐड। ऐड करने पे मेरे को कौन सी तारीख पे बिल बनाना है, एंटर। उसमें पार्टी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एंटर दबाने से मेरे को सारी पार्टियां मिल जाएगी। मेरे को जो भी पार्टी सिलेक्ट करनी है मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर पा रहा हूँ। आप एंटर करोगे तो उसमें आपको आगे बढ़ जाओगे। एंटर से आपको शिपिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिक बिल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर चलन नंबर और ऑर्डर नंबर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे आइटम के अंदर आप आइटम का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे मैं ये मैक्स आइटम का नाम भी आप आगे से पीछे से कहीं से भी मोबाइल टाइप फाइंडिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है, कैसे भी आप सर्च कर सकते हो। उसमें कोई आपको डिटेल लिखनी है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिटेल लिख सकते हो। यूनिट कोड उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे आप लिख सकते हो। रेट आ गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट आप लिख सकते हो। ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगा और ये एंट्री सेव हो गई। सेकंड आइटम के लिए आप यहाँ पे एंटर मार सकते हो, और नीचे आने के लिए यहाँ पे आप पेज डाउन का बटन यूज कर सकते हो। पेज डाउन का बटन यूज करने से डायरेक्ट नरेशन में आ जाएगा। डिलीवरी टाइप कैसा है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ये बिल अगर मैं क्रेडिट में दे रहा हूँ तो क्रेडिट दिन भी यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। डेस्टिनेशन, एलआर नंबर, अगर कोई ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है तो आप एलआर नंबर, एलआर डेट लिख सकते हो। उसका पार्सल कितना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंटर एंटर से ये हो जाएगा सेव। यहाँ पे सेव होने के बाद आपको पूछ रहा है आपको नया एंट्री करना है या इसकी प्रिंट आउट निकालनी है। अगर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो आप प्रिंट पे क्लिक करिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर सिलेक्शन हुआ आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू पीडीएफ का बटन दबाने से बिल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका ऊपर आपका कंपनी का नाम आ गया, नीचे आपका एड्रेस वगैरह आ गया, आपका जीएसटी नंबर आ गया, सारे कुछ डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस मेनू को क्लोज करने के लिए यहाँ से आप ऊपर से क्लोज दबा सकते हो। फिर अगर आपको कुछ मॉडिफाई या डिलीट करना है तो ये मॉडिफाई और डिलीट वाले ऑप्शन में आप जा सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।